दिल्ली और यूपी के बाद हरियाणा में भी आज से शराब की बिक्री शुरू हो गई, जबकि पंजाब में कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब सरकार ने भी शराब की होम डिलीवरी करने का फैसला लिया है, जबकि कोरोना के खतरे को देखते हुए मुंबई में शराब की दुकान बंद करने का आदेश दिया गया। यह तस्वीर है उन राज्यों की जहां शराब की दुकान खुल गई है। अब 7 मई यानी गुरुवार से पंजाब के लोगों का भी इंतजार खत्म होने वाला। यहां शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुली रहेंगी। सोशल डिस्टेंस न टूटे इसलिए सरकार ने होम डिलीवरी का भी इंतजाम कर दिया है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक पंजाब में शराब की होम डिलीवरी होगी। सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि शराब की बोतल पर स्पेशल कोरोना चार्ज लगाया जाए ताकि कमाई बढ़े। पंजाब अकेला सूबा नहीं है जहां होम डिलीवरी होगी। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी शराब बिक्री का यही मॉडल लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ में 5 लीटर तक शराब की होम डिलीवरी की सुविधा है। राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि फिलहाल इसे बड़े शहरों में लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। दक्षिणी और करनी का अंतर दिखाई दे रहा है कि आज वो घर पहुंच सेवा के लिए जो तैयारी किए है, निश्चित रूप से ये कृत्य उनका ठीक नहीं है। इस आदेश को तत्काल उनको वापस लेना चाहिए और वापस लेकर के उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, संशोधन तत्काल करना चाहिए।